Students, welcome back to my channel Swati Science Classes. Today I am going to explain you another part of chapter number 8, body movements. So friends, let's get started. Fixed joint वो joint होते हैं जो move नहीं कर सकते. इनको immovable joints भी कहते हैं. ये इनके द्वारा हमारे body का part move नहीं कर सकते. वो ऐसे joints होते हैं, fix होते हैं. There are some bones in our head that are joined together at some joints. हमारे शरीर में कुछ ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो कि एक जगह पर जुड़ी हुई होती हैं, एक जगह पे सेम सम जॉइंट्स पे वो जुड़ी हुई होती हैं एक साथ. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स. इस जॉइंट से, इस संधि, जॉइंट्स का हिंदी होता है संधि, इस संधि से हमारे जो वो हड्डियाँ जो होती हैं जो सिर में जुड़ी होती हैं वो मूव नहीं कर सकती हैं, हिलडुल नहीं सकती हैं. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं या फिर अचल संधि कहते हैं. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head. Isn't it? जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, सही है ना? Try to move your upper jaw now. अब आप अपना ऊपर वाला जो जॉ है, ऊपर का जो जबड़ा, उसको मूव करने की कोशिश करिए. आप ये नहीं कर पाएंगे. आर यू एबल टू मूव इट? या आप कर सकते हो ऐसा? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. Upper jaw जो है वो हमारे सर के और भी सर के और parts से जुड़ी हुई है और वो move नहीं कर सकती है, वो एकदम fixed है. यही वजह है कि हमारा upper jaw नहीं हिलता है, लेकिन lower jaw को हम ऐसे ऐसे move करके हिला सकते हैं. We discussed only some of the joints that connect parts of our body. हमने केवल कुछ हड्डियों की ही चर्चा की है जो हमारे शरीर, जो हमारी हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ती है. हमने अभी तक कुछ ऐसी ही जॉइंट्स की बात की है जो हमारे शरीर के हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ती है. व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shapes before making its outer structure, isn't it? संभवतः आप गुड़िया की आकृति पहले प्रदान करेंगे, उसको आकृति उसकी बनाएंगे, तभी जाके आप एक, जब एक ढांचा आपका तैयार हो जाएगा तो आप उसी के अनुसार गुड़िया को बनाएंगे. ऐसा ही करेंगे ना आप? सही है ये, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे. आगे बढ़ते हैं. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी. इसी तरह से हमारे सभी हड्डियां जो हैं, ठीक इसी प्रकार एक ढांचा होती है, हड्डियों का ढांचा होता है. उसी के बाद हमारा इसी के प्रकार से शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है हमारी हड्डियाँ. This framework is called skeleton. और इस ढांचे को कंकाल कहते हैं, skeleton. जैसा कि figure 8.6 में दिख रहा है, ये रहा, ये है हमारे शरीर का ढांचा, ये पूरी हड्डियों का ढांचा है. इसी के बाद हमारा जो शरीर है वो तैयार होता है, एक सुंदर शरीर दिखता है. उसके ऊपर जब मसल्स आ जाते हैं, मांस आते हैं, पहले तो हमारा ये हड्डियाँ ही होती हैं, इनका ढांचा, इनको skeleton कहते हैं. How do we know that this is the shape of a human skeleton? हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह एक मानव का कंकाल है, कंकाल की आकृति है? How do we know the shapes of the different bones in our body? और हम अपने शरीर की विभिन्न हड्डियों की आकृति के विषय में कैसे जान पाएंगे? We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. हमें कुछ अपने बॉडी के जो शेप और नंबर के हिसाब से हम फील करके जान सकते हैं कि उसमें कितने नंबर हैं हड्डियों के और उन हड्डियों का क्या शेप है, आकार है. वन वे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारी कलाई की हड्डी जो होती है उनको हम टच करके, ऐसे फील करके देख सकते हैं कि हमारे कलाई में कितनी हड्डी है और उसका क्या शेप है, ये हम फील करके जान सकते हैं. वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. और दूसरा ये तरीका है कि हम अपने एक्सरे के चित्र से हमें शरीर की सभी हड्डियों के बारे में जानकारी मिल सकती है, हम उसके थ्रू देख सकते हैं. डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन?
क्या आपके या आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का एक्सरे कभी हुआ है? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. जब भी हमें कोई चोट लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग जाती है या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर जो है वो यही प्रिफर करते हैं, एक्सरे प्रिफर इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक्सरे होता है तो हमारे बॉडी के उस पार्ट का एक्सरे होता है, तो उस एक्सरे में ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि हमारी हड्डी कहीं टूटी तो नहीं है. अगर क्योंकि ऊपर से तो देख करके डॉक्टर नहीं बता सकता है कि वो अंदर की हड्डी टूटी है या नहीं, और एक्सरे में साफ क्लियर आ जाता है कि हमारी हड्डी टूटी है या मुड़ी है या जो भी है, हल्की फुल्की भी अगर हुई है तो वो एक्सरे में आ जाती है, इसीलिए डॉक्टर एक्सरे प्रिफर करते हैं. द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज, और एक्सरे जो है वो हमारे शरीर में बता देती है कि किस तरह का बॉडी का शेप है उसका, बोन्स का. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. अपने हाथ के आगे वाले हिस्से से ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की हड्डियों को स्पर्श कीजिए, उनका अनुभव कीजिए. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और कोशिश करिए कि ये जानने की कि आपके प्रत्येक अंग में कितनी हड्डियाँ हैं, इसका पता लगाइए फील करके. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी ज्वाइंट्स एंड कंपेयर दीज ज्वाइंट्स द एक्सरे इमेजेस. अपने घुटने और कोहनी की हड्डियों को ठीक उसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे के चित्र से उसको कंपेयर करिए. पहले आप खुद फील करके उसमें देखिए कि कितनी हड्डियां हैं आपकी कोहनी में, आपकी घुटने में, उसके बाद से फिर आप उसको एक्सरे के इमेजेस से फिर कंपेयर करके देखिए. ये देखिए फिगर 8.7 में एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स. ये रहा हमारा एंकल जॉइंट्स, ये है नी जॉइंट्स. इनके बाद आप पहले फील करके खुद देखो, उसके बाद से आप यहाँ पर एक्सरे के फिगर से देख करके कंपेयर करो अपनी कि आपने सही गिना है या नहीं. बेंड योर फिंगर्स, अपनी उंगली को मोड़िए. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी ज्वाइंट, क्या आप अपनी उंगली को हर ज्वाइंट से मोड़ने में सफल हो रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, आपके मध्य उंगली में जो मध्यमा होती है, जो बीच की उंगली होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ, आप ये एक बार गिन करके बताओ, गिनो और देखो और मुझे कमेंट करके भी बताओ आपने गिना कि नहीं गिना. फील द बैक ऑफ योर पाम, जो आपकी हथेली होती है उसके पिछले हिस्से को महसूस करिए. इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स इजेंट इट, क्या आपको नहीं लगता है कि उसमें बहुत सारी हड्डियाँ हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो आपको फील हो रही है, महसूस हो रही हैं. फिगर 8.8, ये रहा फिगर 8.8. बोन्स ऑफ द हैंड, ये है हमारा हैंड, हाथ, 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियाँ हैं इसमें और ये पाँचों उंगलियों की ये हड्डियाँ हैं सारी. इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई जो है वो लचीली है, फ्लेक्सिबल है, मतलब घूम सकती है आराम से? जी हाँ, हमारी कलाई बढ़िया से सर्कुलर और एंटी मतलब हम उसको घुमा सकते हैं, एक ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम अपनी कलाई को घुमा सकते हैं आराम से. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, यह अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है हमारी कलाई. वट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होता अगर हमारी कलाई में सिर्फ एक ही हड्डी होती तो क्या होता? तो ये होता कि हम इस तरह से मूव कर पाते, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हम अपने कलाई को मूव कर पाते? बिल्कुल नहीं, एक बोन से हम बिल्कुल नहीं मूव कर पाते. सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स का ये थर्ड पार्ट मैं यहाँ एंड कर रही हूँ. इसके आगे मैं आपको फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हाँ मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं. अपने सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हो. फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी स्वाति साइंस क्लासेस के ही नाम से है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.